is, budget is just around the corner. As a vice chairman of National Real Estate Development Council and leading real estate group, what are your expectations and demand from Honorable Finance Minister? देखिए, real estate का बहुत महत्व है. क्यों महत्व है? क्योंकि हम 100 रुपए इसमें डालते हैं तो उसकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सबसे ज्यादा होता है. आप यही 100 रुपए मैन्युफैक्चरिंग में डालेंगे तो आपका एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल एक होता है, और आप वही 1 रुपया रियल एस्टेट में डालते हैं तो लेबर ओरिएंटेड होने के कारण 100 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होता है और 500 लोगों को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होता है. तो ये इसके कारण जितना भी आप रियल एस्टेट में फोकस करेंगे उसमें ज्यादा उपयोगी. हमारी 5-6 मेन आइटम्स है. एक तो जो है कि हाउसिंग लोन के ऊपर जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 2 लाख रुपया 12 साल पहले किया था. अभी भाव, मकानों के भाव भी बढ़ गए हैं और ब्याज भी अभी बढ़ गया है, 6.5 से 8% हो गया है. तो हम चाहते हैं कि वो 2 लाख के से लेके उसको 5 लाख किया गया. एक्चुअली फुल डिडक्शन होना चाहिए, क्योंकि आप कमर्शियल करते हैं तो 100% डिडक्शन तो इंडिविजुअल्स को क्यों नहीं 100% दे. लेकिन ठीक है, अभी 2 का 5 लाख पहले हम मांग किया है. दूसरी बात है अफोर्डेबल हाउसिंग. अफोर्डेबल हाउसिंग में हमें लोन ज्यादा मिलता है, लोन टू वैल्यू लगभग 90% है, लेकिन उसकी सीमा उन्होंने 45 लाख रुपया कर दी. अभी मुंबई जैसे, दिल्ली जैसे शहरों में 45 लाख में कुछ मिलता नहीं, घर तो नहीं मिलता, सही घर नहीं मिलता. तो मैं समझता हूँ इसको फिगर बढ़ा दे तो साधारण लोगों को लोन भी ज्यादा मिल सकते हैं और वो मतलब घर भी खरीद सकेंगे इस क्षेत्र में. और दूसरी बात है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स. आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 1 साल में लगता है, रियल एस्टेट में 3 साल में लगता है. ये तो अन्याय है, आप दोनों को एक ही करिए. और दूसरी बात है कि शेयर्स में आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें 10% कैपिटल गेन है लॉन्ग टर्म का, यहाँ 20% है. तो इसके लिए इनको हम नहीं कहते कि शेयर में मत दीजिए, हम ये कह रहे हैं कि रियल एस्टेट में भी उतना ही आप दीजिए, क्योंकि घर खरीदने में लोगों को ये सुविधा देने की आवश्यकता है. तो ऐसे बातें हैं जहाँ हम सकते हैं. और लास्ट जो बात है रियल एस्टेट में कि आज की तारीख में हम जो टाउनशिप्स बनाते हैं उनको लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने की आवश्यकता है. क्यों? क्योंकि उनको लॉन्ग टर्म फंडिंग मिलेंगी और यू विल गेट अ लार्जर अमाउंट ऑफ मनी फॉर द सेम इक्विटी वैल्यू. तो हम चाहते हैं कि जहां हमारे जैसे टाउनशिप हम बनाए 20 साल 30 साल चलते हैं तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देंगे तो वो 15-20 साल के लोन भी मिलेगा और लोन टू वैल्यू इज ऑल्सो डिफरेंट. सो ये सब चेंजेस की आवश्यकता है और इसकी मांग नरेटको ने की है और देखें अभी वित्त मंत्री क्या कर. बिल्कुल सर, बिकॉज आप अगर बिजनेस लोन में देखें तो बिजनेस को पूरे स्टैंडर्ड इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाता है और सबसे ज्यादा 100% मिल जाता है. और सबसे ज्यादा जो लोन पे घर लेते हैं वो सैलरी क्लास है, उसके लिए 2 लाख पे रह जाता है और वो ही सबसे ज्यादा टैक्स पेइंग है हमारे, उनके लिए बेनिफिट नहीं है. आपने सबसे ज्यादा टैक्स पेइंग लेने तो एक और पॉइंट आ गए मेरे मन में, तो वो मैं जिक्र करूं. इंडिविजुअल को हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स है 42%, पार्टनरशिप्स को है 35% और कंपनीज को है 25%. अभी मैं नहीं समझता हूं कि कंपनीज को इंडिविजुअल से कम रेट देना चाहिए. मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप उनको मत दीजिए, पर इंडिविजुअल को भी तो देना चाहिए ना. तो इंडिविजुअल खुद बिजनेस करे तो उनको 42% मैक्सिमम मार्जिनल रेट है, और वही पार्टनरशिप बना दे तो वो 35% भरेंगे, और वही बिजनेस में हम लिमिटेड कंपनी बनाए तो 25%, और मैन्युफैक्चरिंग नई कंपनी करें तो 15%. तो हम यही सोच रहे हैं कि एटलीस्ट आप ये 35% का 25 आप कर दे इंडिविजुअल होम लोन्स को, इंडिविजुअल लोगों को, तो ये भी एक न्यायदायक होगी. और एक 5 लाख की लिमिट है, उसको भी थोड़ा मॉडिफिकेशन करें, क्योंकि 5 लाख के ऊपर जैसे 6 लाख पे आते हैं तो 1 लाख पे
हमें 30,000-40,000 टैक्स देना पड़ता था, तो डिफरेंशियल इनकम पे 30-40% टैक्स स्लैब आ गया।